व्हाट्स अप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शंस क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है। रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहते हैं, रिलेट करेगा आपके मिरर से, मतलब कि मिरर से जो रिफ्लेक्शन बनता है उसी को कोरिलेट करते हुए ना सिमेट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको सिमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके पीछे के लेक्चर में भी हमने सिमेट्री को भी समझने की कोशिश की है। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसमें आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने 13.2 के जितने भी क्वेश्चंस थे, 8 नंबर तक क्वेश्चन जो थे ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से नया थ्योरी है 13.5, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। अब देखिए क्या होता है कि लाइन सिमेट्री एंड मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन एंड नेचुरली एंड लिंक टू ईच अदर। अब देखिए ये क्या हुआ कि मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। यहाँ से इसको काट के इसके ऊपर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो ये पूरा का पूरा ढक लेगा। देखिए ये सेम, ये मान लीजिए ये मिरर बना हुआ है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज बन रहा है। यहाँ से देखिए जो यहाँ पे जो मिरर रखा गया है परपेंडिकुलर, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बना, तो वही चीज़ बता रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री और जो मिरर का रिफ्लेक्शन है वो नेचुरली रिलेटेड एंड लिंक टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ये लिंक्ड है, ठीक। हेयर इज अ पिक्चर शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंग्लिश लेटर एम। एम का रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो किया। यू कैन इमेजिन दैट द मिरर इज इनविजिबल। आप यहाँ पे मिरर को इनविजिबल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मिरर है नहीं। एंड कैन जस्ट सी द लेटर एम एंड इट्स इमेज। आपको मिरर को इनविजिबल मतलब ये सोचना है कि यहाँ पे मिरर नहीं है, आपको बस जस्ट ये लेटर समझना है कि जो लेटर का इमेज यहाँ पे एम बन रहा है, एंड इट्स लेटर एम को देखना और इसका इमेज को देखना है एम को, ठीक है। तो उससे आपसे क्या मिलेगा, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विथ रिफरेंस टू द मिरर लाइन। आपका जो ये ऑब्जेक्ट था और जो इमेज बना ये सिमेट्रिकल था, किसको, ये मिरर लाइन को लेते हैं। ये मिरर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोलने की ये कोशिश बोल रहा है, सिमेट्रिकल रिफरेंस टू द मिरर लाइन। इफ द पेपर इज फोल्डेड द मिरर लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो मिरर लाइन जो है वो क्या हो जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए यहाँ पे है, हाँ, इफ पेपर मिरर लाइन बिकम सिमेट्री, वी देन से दैट द इमेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर लाइन, ठीक है। इमेज पे वो जो मिरर लाइन, मिरर पे क्या बना, रिफ्लेक्शन बना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी दैट वेन ए ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड देर इज़ नो चेंज इन द लेंथ एंड एंगल्स। यहाँ पे वो क्या हुआ, हम देखते हैं कि ना लेंथ में ना उनके एंगल में कोई चेंजेज होता है, लेकिन इट मीन्स द लेंथ एंड द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ एंड एंगल ऑफ द इमेज आर द सेम। हाउएवर इन वन एस्पेक्ट देर इज़ अ चेंज, किसी एस्पेक्ट पे वो चेंज होता है, कब होता है, इट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यू कैन गेस व्हाट इज द डिफरेंस इज। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इमेज के सामने खड़े होते हैं तो आपका हाइट जो है या फिर आपका जो लेंथ है, हाइट या लेंथ एक ही होगा, वो इमेज में छोटा दिख सकता है या फिर बड़ा दिख सकता है, ये आपके डिपेंड करता है आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हो रहे हैं, कितने एंगल पे आप खड़े होते हैं, वो डिपेंड करता है। वो आप क्लास टेंथ में आप जब मिरर चैप्टर पढ़ेंगे, मिरर एंड लेंस, उसमें आपको समझ में मिलेगा। यहाँ पे हिंट दिया है कि कब वो आपका चेंज हो सकता है, कब वो सिमेट्री नहीं हो सकता है, जब आप लुक योरसेल्फ इनटू मिरर, अपने आप को जब वो मिरर में देखिए। यहाँ पे देखिए मिरर को मान लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं, यहाँ से मिरर की हाइट में, जहाँ जो लड़की की हाइट है वो मिरर की हाइट से क्या है, थोड़ी कम है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा, किसी किसी केस में नहीं होगा, जैसे कि ये एक केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो ऑन ए स्क्वायर पेपर, स्क्वायर पेपर आपको बताया दिया था जो आप थर्ड या फोर्थ क्लास में जो आप पढ़ते थे स्क्वायर पेपर पे, मैथ का पेपर जो आपको कॉपी खरीद के दिया जाता था, वही बात यहाँ दे रहा है। एंड फाइंड वन स्क्वायर पेपर ड्रॉ द फिगर ए बी सी फिगर ड्रॉ किया गया एंड फाइंड इट्स मिरर इमेज ए बी एंड सी, उसके मिरर इमेज को फाइंड करना। देखिए यह मिरर लाइन हो गया, यह लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, विथ एल एज द मिरर लाइन, ये एल जो है ये मिरर लाइन हो गया। कंपेयर द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी को ये ए और बी से कंपेयर करना है, उसी प्रकार बी सी को बी और सी से कंपेयर करना है, ठीक है। वैसे ए सी को ए डैश सी डैश से कंपेयर करना है। आर दे डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट है, आप चेक कीजिए। डज रिफ्लेक्शन चेंज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, रिफ्लेक्शन बना है आप उसको, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, इमेज रखा, मिरर रखा, उसके बाद मिरर इसके जो कॉपी, जैसे मान लीजिए कि आप ये आपका स्क्वायर पेपर था, इस पर यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपने ये बना ली, कलर चेंज नहीं हुआ क्या,
यहाँ पे आपने ये बनाया और यहाँ पे मान लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे आपने मिरर रखा, मिरर पे जो ये बना तो आपको स्केल से चेक करना है कि क्या ये इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, इसका लेंथ सेम है या फिर टोटल लेंथ सेम हो रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए पेपर डेकोरेशन पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ हैं। यूज थिन रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर, फोल्ड इट सेवरल टाइम्स, उसको सेवरल टाइम फोल्ड करना है एंड क्रिएट सम इंट्रिकेट पैटर्न बाय कटिंग द पेपर। इंट्रिकेट पैटर्न आपको करना है लाइक द, ये सब क्या है, इंट्रिकेट पैटर्न है मतलब कि आप किसी प्रकार का पैटर्न कट पिट कर से सीजर से कैंची से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द लाइन सिमेट्री इन द रिपीटिंग डिजाइन, आपको वो लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको अनफोल्ड करने के बाद आपने फोल्ड किया उसके बाद अनफोल्ड करना है। यूज सच डेकोरेटिव पेपर कट्स आउट सपोर्ट सेफ्टी फेस्टिव ओकेजन। ठीक है, वही सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, बस आप सिमेट्री समझ लीजिए। सिमेट्री क्या होता है, मान लीजिए कॉपी है आपका, यहाँ से वो बीच बीच कॉपी का, कॉपी जब आप बंद करते हैं तो वो एक दूसरे क्या करता है, एक दूसरे को ढक लेता है, जो जहाँ से हम फोल्ड करते हैं वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ये एक दूसरा, इतना ही बस समझना था आपको, कितने टू एंड मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक से दो या उससे ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं किसी चीज़ के, ट्रायंगल के हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ये सब चीज़ जो है वो एक कैलेडियोस्कोप यूजेस मिरर टू प्रोड्यूस इमेज दैट सेवरल लाइंस ऑफ सिमेट्री एस ऑन हेयर। फॉर द एग्जाम्पल टू मिरर स्ट्रिप्स फॉर्मिंग ए वी शेप आर यूज। यहाँ पर देखिए मिरर टेप है, ए वी शेप बनाया हुआ है। द एंगल बिटवीन द मिरर्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मेक ए क्लोज़अप एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द सिमेट्रिक इमेजेस प्रोड्यूस। ये सब कुछ एक्टिविटीज हैं वो आपको देखना है। एक्सरसाइज 13.3 जो है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द सिमेट्री इन द फॉलोइंग शेप्स एंड हाउ विल यू चेक द आंसर। देखिए यहाँ पे जो बनाया गया स्टार बनाया गया, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन कितना है, मान लो यहाँ से काटते हैं तो ये इसके ऊपर से फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से ये काटते हैं तो ऊपर वाला नीचे गए, तो यहाँ दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही आपको 11.3 में भी करना है, ऐसे ही इसमें देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा, ऐसे इसको काटते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें वन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही आपको ये जो दिया गया है, अब देखिए जैसे कि इसी में है, इसमें नंबर ऑफ क्या दिया है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा, या इसके पीछे पीछे ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा, बटरफ्लाई ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे काटेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ऐसे काटेंगे तो इसमें दो हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। बीच बीच से नहीं काट पा रहा हूँ मैं, थोड़ा आप अच्छे से काट दीजिएगा। अब दे रहा है कॉपी द फ्लोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज़ टू डॉटेड लाइंस एंड टू लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिया गया है, इससे आपको दिया गया है कि इसको बनाना है आपको, जैसे यहाँ ये बनाया हुआ है तो ये ऐसे बना दीजिए तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ये ऐसे बनाया हुआ है ये ऐसे बनाया तो ऐसे ऐसे करके यहाँ बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके यहाँ बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके यहाँ बना दीजिए। ये आपको बस पहचानना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये इसको इसी शेप का यहाँ बना दीजिएगा, इसी शेप का यहाँ बना दीजिएगा, इसी शेप का यहाँ बना दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे इन ईच ऑफ द हाउ डू यू गो अबाउट कंप्लीटिंग द पिक्चर, आप इस पिक्चर को कंप्लीट कैसे करेंगे, सेम टू सेम जैसे यहाँ बना है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, अब इसका हमें सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ऐसे बनाते इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ बना देंगे, जैसे ये बना है वैसे ये बना देंगे, इधर साइड भी वही बना देंगे, इधर साइड भी वही बना देंगे। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा आप लोग कॉपी पे। इन ईच फिगर अलॉन्ग साइड ए लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज शोन अलॉन्ग विद द वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, इसके बाद एक अल्फाबेट लिखा गया है। टेक द मिरर इमेज ऑफ द लेटर इन द गिवन लाइन, फाइंड विच लेटर लुक द सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट मीन्स विच लेटर लुक एट द सेम इन द इमेज एंड विच डू नॉट, कैन यू गेस व्हाई। यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, ए में आपको क्या करना है, एक कॉपी पे आपको ए लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपका जो पापा आपके जो सेविंग का जो मिरर होता है, सेविंग मिरर, वहाँ रख के देखिएगा उस मिरर में कौन सा लेटर सेम टू सेम दिख रहा है, जैसे इसमें क्या मिरर में भी सेम दिख रहा है, चेक कीजिएगा, ओ को चेक कीजिएगा, ई को चेक कीजिएगा, एम को चेक कीजिएगा, जो सेम दिख रहे हैं वो सही है और जो सेम नहीं दिख रहे हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, या फिर मिरर लाइन वो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज था वो हमारा ख़त्म होता है। कुछ है यहाँ पे रंगोली पैटर्न्स है, ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ हैं, इसमें आपको देखने हैं। वही कॉलम्स एंड रंगोली आर पॉपुलर इन आवर कंट्री, कॉलम्स भी रंगोली का ही पार्ट होता है, जैसे कि ये बना हुआ है। ए फ्यू सैंपल्स आर गिवन हेयर, नोट द यूज़ ऑफ सिमेट्री इन देम, कलेक्ट एज मैनी पैटर्न्स एज पॉसिबल ऑफ दिस एंड पेपर एंड एल्बम, आपको ऐसे एल्बम पेपर करना है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। अब देखिए हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया, एक बार इसको एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। देखिए
ए फिगर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री इफ ए लाइन कैन बी ड्रॉन डिवाइडिंग द फिगर इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स द लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आपने एक स्केल रखा है, ठीक है। अब स्केल में कितने सेंटीमीटर था, 15 सेंटीमीटर होता है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आज से बांधे ये इसके ऊपर से ऊपर इम्पोज होता है, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये फिगर क्या हो गया, सिमेट्री फिगर हो गया, ठीक है। ये बात है, ए फिगर में हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी फिगर के एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा सिर्फ, टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। हेयर आर सम एग्जांपल, नो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल मतलब कि ए बी समबाहु त्रिभुज, इसका साइड इसका साइड इसका साइड तीनों साइड बराबर ना हो तो वो स्केलन ट्रायंगल होगा, इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। वन ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री एज आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हों, ये और ये भुजाएं बराबर हों, तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, ये यहाँ से ये कर दिया तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, टू लाइन ऑफ सिमेट्री ए रेक्टेंगल में होगा, ये रेक्टेंगल बनाया, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये इसका करें तो ये इसके ऊपर से ऊपर इम्पोज हो जाएगा, इधर से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा तो ये वाला इसके ऊपर से ऊपर इम्पोज हो जाएगा। एक रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, टू लाइन, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री कब होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं बराबर, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए, द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन, वही बात है, आप लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर मिरर रिफ्लेक्शन रिलेट है। आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एटर ए लिखा, यहाँ पे मान लीजिए कि वो है लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ ए लिखा, यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये इसके ऊपर से ऊपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे ए लिखा है, इसका हमें यहाँ पे एक मिरर रखते हैं परपेंडिकुलर, तो ये सेम टू सेम उस मिरर पे भी आएगा ना ये लिख के, तो वही क्लोजली रिलेटेड है, यही बात यहाँ समझाने की। वी हैव टू टेक एन इंटू अकाउंट द लेफ्ट राइट चेंजेस इन ओरिएंटेशन, ठीक है। सिमेट्री हैज़ प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन इन एवरी लाइफ, लाइफ इज इन आर्ट, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिजाइन क्रिएशन, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग और कॉलम्स नंबर। सिमेट्री का यूज, अब देखिए सिमेट्री हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको वो करना है कि कहाँ कहाँ यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक तरह का ये बना लिया, फूल बना लिया, ये हो गया, ऐसे कि चार चार हिस्से हैं। अब इसको रंगोली बनाना तो क्या करेगा, अब ऐसा थोड़ी है कि इधर दूसरा फ्लू बना दिया, इधर दूसरा फ्लू बना दिया, इधर दूसरा फ्लू बना दिया, इधर दूसरा फ्लू, तो भद्दा लगेगा देखने में। क्या करेंगे कि अगर चार हिस्सा है तो चारों को एक टाइप का ही फूल बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, अच्छा लगेगा। आर्किटेक्चर में सिमेट्री का यूज होता है, ये सब चीज़ उसके एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में। आर्ट बनाने में सिमेट्री का यूज होता है, आर्किटेक्चर में होता है, टेक्सटाइल में, कपड़े टेक्सटाइल जो टेक्नोलॉजी है कपड़े में, कपड़े के डिज़ाइन में होते हैं, क्योंकि कपड़े के डिज़ाइन में अगर एक कपड़ा बन रहा है तो उस पर एक ही तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, रंग बिरंगा बनाएंगे तो बदला लगेगा। वही बात है डिज़ाइन क्रिएशन में, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग में, ये सब हमें रंगोली बनाने में इसका एप्लीकेशन का यूज़ होता है। यहाँ पे हमने सिमेट्री को पढ़ लिया क्लास सिक्स के मैथ को, इसके बाद आएगा आपको लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 14 है आपका, चैप्टर 14 ये ज्योमेट्री पे रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।